प्रोबेबिलिटी में अगर आप बुक्स में देखो तो हमारे पास, जस्ट वेट वेट वेट, हाँ जी बेटा, लिसन बी वेरी केयरफुली प्लीज। नाउ कल जब मैं बुक्स देख रही थी डिफरेंट, तो प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा कि आप लोगों को शायद ना पता हो, तो लेट मी टेल यू, ओके, व्हाट दैट कॉन्सेप्ट्स आर। बहुत बार एक्स्ट्रा बुक्स में देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन अगेंस्ट, ये वर्ड की बार बार वो यूज कर रहा है दो तीन बुक्स में। व्हाट दैट बेसिकली एक्स्ट्रा बुक्स में ये चीज होता है, जैसे मैंने को लिखा दे राइट रेशियो ऑफ ऑड इन फेवर इज 3:5, कुछ ऐसी वर्डिंग होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर, ऐसे कुछ वर्डिंग में दिया जाता है। तो वहां पर इन फेवर का मतलब पहली ये उसके फेवरेबल केसेस हैं और नीचे टोटल दैट इज 8, 3+5 8, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑड अगेंस्ट, यस दैट इज 5/8। जब भी आपको फेवर की बात की जाए, है ना, ऑड इन फेवर, रेशियो यहां दी होती है, हमेशा हमेशा आपको दी होगी रेशियो। अगर आपको रेशियो दी है तो फेवर का मतलब पहले वाली लेनी, नीचे हमेशा टोटल आता है, ओके। और अगेंस्ट का कहे तो बाद वाली, नीचे तो टोटल ही आना, ओके। ये वर्डिंग बार बार आ रही थी, हमें तो पता है, पर मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा बेटा प्लीज देख, शांत पे अटेंशन हियर, विवान, हाँ जी, मैंने एंड और का कॉन्सेप्ट बताया था, सबको पता है। जब भी किसी नंबर में मेरे पास, मान लीजिए सपोज इट इज गिवन टू मी कि मैंने जो है प्रोबेबिलिटी, अगर नंबर में आए, कुछ नंबर्स दिए हैं मेरे पास, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक नंबर दिए हैं, from 1 and 100, और मुझे कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 5। जब भी एंड आए तो हमेशा जो दो नंबर्स लिए हैं उनका एलसीएम लेके उसकी डिविजिबिलिटी के नंबर्स लेने। 3 और 5 का एलसीएम क्या है, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी 15 की डिविजिबिलिटी के नंबर लेने, बस और कुछ नहीं देखना, ओके। अगर मुझे होता 3 और 5 डिविजिबिलिटी बाय 3+ डिविजिबिलिटी बाय -डिविजिबिलिटी ऑफ एलसीएम ऑफ बोथ, लेकिन यही अगर कार्ड्स में होता, प्लेइंग कार्ड्स में होता, वहां तो एलसीएम नहीं ना आते, वहां हम बात करते कॉमन की। अगर मैं कहती प्रोबेबिलिटी मेरे पास निकालिए, एंड क्योंकि 15, मान लो 15 जो नंबर है, और 30, 45 है ना, वो 3 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, दो दो बार आ रहा है कि नहीं, तो एक बार माइनस हो गया, क्योंकि दोनों में जो नंबर आता है वो क्या होता है हमारे पास, कॉमन वाला होता है ना, तो वो दोनों का एलसीएम ही होगा। समझ आई बात, क्लियर आई, ठीक है जी, इसीलिए माइनस किया। और एंड मतलब ऐसा नंबर जो 3 पे भी जाए 5 पे भी जाए, 100% दोनों का क्या होगा, एलसीएम ही होगा, ओके। अब मैं क्या आपको बता रही थी कि अगर प्लेइंग कार्ड्स का सिस्टम होता,
प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो गए रेड एंड मैंने कहा एस। ऐसा कार्ड जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, ऐसा कार्ड जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब मैं बात कर रही हूं प्लेइंग कार्ड्स में, एंड है ना मतलब वही है कॉमन दोनों में। जो यहां कॉमन का मतलब यू आर टेकिंग एलसीएम, यहां कॉमन का मतलब वो रेड भी होना चाहिए, वो एस भी होना चाहिए। रेड के एस कितने हैं? टू। अभी कोई बच्चा बोल रहा था 24, कोई 26, मैं सुन रही थी, तब तक डिस्कशन होगी जब तक मैं पीछे गई। अरे मैं बार बार बोल रही हूँ एंड मींस, मैं कह रही हूँ कि मैं इंटेल, आप कंजंक्शंस नहीं करते थे इंग्लिश में। एंड का मतलब क्या होता है? द पर्सन हैविंग बोथ द क्वालिटीज। इफ आई एम सेइंग विवान इज इंटेलिजेंट एंड नॉटी, व्हाट डज इट मींस? दोनों चीजें हैं, वो इंटेलिजेंट भी है लेकिन नॉटी भी है, दोनों है ना। सेम इज हियर, ऐसा कार्ड उठाना है जो रेड भी हो एस भी हो दोनों। बट इफ आई राइट रेड और एस, मतलब रेड भी हो सकता है एस भी। अब ऐसे कार्ड्स भी होंगे जो दोनों में आगे होंगे, उसको क्या करना है? माइंड सिंपल सी बात है, रेड कितने हैं, एस कितने हैं, ऐसे कार्ड जो रेड भी है एस भी है, टू टू क्या कर रहे हैं? नीचे तो सब में कॉमन ही आना, इज इट क्लियर? एट मोस्ट का मतलब उसके पीछे वाली सारी, एट लीस्ट का मतलब उससे आगे वाली। अब तो नहीं भूलेगा ये चीज, श्योर? ओके, इफ आई सेड सपोज मेरे पास रेड का एस, रेड का किंग गुम गए हैं, रेड के एस, रेड का किंग मिसप्लेस्ड हो गए हैं, रिमेनिंग कार्ड में से मुझे प्रोबेबिलिटी रेड और एस की निकालनी, रिमेनिंग कार्ड में से मुझे रेड और एस की निकालनी है। मैं फिर कह रही हूं मेरे पास एक कार्ड रेड का किंग और दूसरा कार्ड रेड का एस मिसप्लेस हो गए हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और एस। पहले तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, कितने? अरे 50, मैंने क्लियर कट लिखा है, रेड का एक किंग गुमा है, रेड का एक एस गुमा है। मैंने अभी बोला ये दो नहीं हो गए? चलो जी 50, ओके। अब फेवरेबल देखिए, सिट प्रॉपरली, इज द क्लास इज एट द बैक, हां जी। अब देखिए, अगर दो कार्ड रेड के चले गए, दो ही गए ना, रेड में से कितने रह गए? अगर मैंने रेड के निकाले तो मेरे पास रह गए 24 प्लस एस का, अकेला एस का लिख रही हूं ना मैं, आप ध्यान से देखना। यहां पर अगर आपने कहा कि मेरे पास होंगे एक किंग भी रेड का चला गया, एक एस भी, आपने यहां पर ऑलरेडी दोनों माइनस कर दिए, कर दिए कि नहीं? कोई नहीं ना लिया। अब अकेला एस की कितने रह गए मेरे पास होंगे? दैट ए मैं बता,
मैं बताऊं कुछ पहले? अब मैंने कहा था आपने यहां पर रेड का किंग भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, रेड का एस भी चला गया मेरे पास, पर अगर एस की प्रोबेबिलिटी लेनी है मुझे बताइए, आपने एस की लेनी है तो चार तो कार्ड हो ही नहीं सकते ना, रहने ही तीन है बेटा, आपके पास है नहीं ना, आपके पास कार्ड तो नहीं है वो ना, दो ही कार्ड मिस, आपने इधर रेड से गुलवा दिए। जब मैंने रेड की देखी, अगर मैं अकेली रेड की देखती तो आप ये कहते मैंने अकेले एस की देखी, ये देखा। अब जब मैंने माइनस करना है, अब आप मुझे बताइए माइनस क्या करोगे, क्योंकि जो रेड और एस वाला, आप यही कहते हो ना कि माइनस वो करो जो रेड भी है एस भी है, वो कितने थे वैसे, दो कार्ड होते हैं, आप एक कार्ड यहां माइनस कर चुके हो, कर चुके हो कि नहीं, रेड का, और एक कार्ड यहां भी माइनस कर चुके हो। कुछ भी माइनस मत करो ना, कुछ भी माइनस मत करो, आप ऑलरेडी एक एक कार्ड माइनस कर चुके हो, दोनों में खत्म हो गए, कॉमन कुछ नहीं ना रहा, कोई ऐसा कार्ड तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है, बात खत्म। इज इट क्या? हां जी, बेटा मैं ये कह रही हूं अल्टीमेटली मैंने दोनों में रेड एस एक माइनस करना था ना, मैंने वो माइनस ही नहीं किया, मैंने वो माइनस ही नहीं किया, ये तो आपकी है ना, आप चार एस तो ले ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि एक ऑलरेडी क्या है मिस हो चुका है मेरे पास, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करना ही करना है ना। अगर मैं कहती मुझे बताओ बेटा एस की प्रोबेबिलिटी, अब क्या लिखते, थ्री ही लिखते ना बेटा, अब कॉमन वाला तो करना नहीं है, कौन से 24 में कौन सा एस आ रहा है, दो एस आने बेटा, दो एस आपके आने थे, एक आप ऑलरेडी इधर माइनस कर चुके हो, एक और वैसे ही माइनस कर चुके हो, आप एक मिनट, जब आप लिख रहे हो 26 रेड के है, एक किंग का माइनस किया, एक एस का माइनस किया, एक एस इसमें से चला गया, एक एस आपके पास इसमें जो बचा है, आप यही कह रहे हो ना कि वन एस इज लेफ्ट मैम हियर, बट यहां पर जो मैंने देखा रेड वाले एस, आपने यही कहा ना, यहाँ एस की बात हो रही है, एक एस निकल चुका है मेरे पास, एक एस है, आप ये कह रहे हो कि दोनों में वो कॉमन रेड और, एक सेकंड दोबारा सोच लेते हैं, लेट मी थिंक ओवर इट। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया बेटा, आर्ची सक्षम, ओके, आप कॉमन लेके कर लो, आपको वही याद रहेगा। हाँ जी बेटा, अब बेटा देखिए दिव्या दक्ष ने क्वेश्चन पूछा, लेट अस डिस्कस दैट, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया हुआ है अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव जो है क्रैश्ड समवेयर बेटा इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, मेरे पास ये एक फिगर दी है 6 किलोमीटर, ये लेक दी है, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, ओके, दिस इज लेक और यहां कहीं वो क्रैश हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन में। अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक, अगर बहुत इजी है, अगर लेक के अंदर हुआ है फेवरेबल एरिया कौन सा है लेक का, और टोटल कितना आएगा पूरे रेक्टेंगल का,
अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे लेक का एरिया निकालना है। अब बेटा अगर मेरे पास हो गए पूरी लेंथ, ये 4.5 है, इतनी 2 है, ये कितनी बचेगी 2.5, इसकी ये वेट आ गई। अब लेंथ इधर पूरी 9 है, इधर 6 है, 3, एरिया ऑफ लेक क्या हो गया 2.5 × 3, टोटल एरिया कितना है, दैट इज 4.5 × 9। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल क्रैश इनसाइड द लेक दैट इज 2.5 × 3/4.5 × 9। जब तो जो आंसर आया 1 माइनस कर दे बेटा, नॉट वाला कैसे निकालते हैं 1 माइनस करके, सिंपल सी बात है। ओके क्लियर, मिसिंग वाला जब भी हो मैं प्लेइंग कार्ड्स में तो ध्यान से करना। फिर बेटा नहीं कल बता दूंगी, मैंने आपको कहा मैं कल बता दूंगी जो भी। अच्छा बेटा आप एक जो मिस्टेक बार बार प्रोबेबिलिटी में कर रहे हो, मैं बार बार समझा रही हूं, इफ इट इज गिवन नंबर फ्रॉम 13 to 300, फ्रॉम है तो नंबर करेंगे कितने आएंगे, 300 − 13 + 1। ओके जी, अगर बिटवीन हो मेरे पास 300 − 13 − 1, प्लीज ये चीज याद रखना, नंबर प्राइम नंबर, वर्ड लिखा है प्राइम नंबर, वन इज नाइदर प्राइम, नंबर लिखा इवन प्राइम, टू इज द नंबर विच इज इवन प्राइम, कॉम्पोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं है वन को काउंट नहीं करना। ओके जी, फैक्टर्स, अब ध्यान से मैंने उस दिन भी बताया था, बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में ही। अगर मैंने आपको कहा फैक्टर्स ऑफ, मेरे पास हो गए 18 नंबर्स हैं 1 से 100, और फैक्टर्स ऑफ 18 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फैक्टर्स में कौन कौन आएगा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं बोली, गलती कर गए ना, फैक्टर्स वर्ड बोला बेटा, फैक्टर्स जब आपको छोटी क्लासेस में कराया जाता था आप कैसे स्टार्ट करते थे, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, उसके बाद 6 है, तो क्या क्या लिखते थे, 1, 2, 3, 6, 9, दीज आर फैक्टर्स। लेकिन अगर मैं कहती प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस पे जाता है, वो आप ऐसे करके करते थे, वहां वन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ओके जी क्लियर, मल्टीपल ऑफ 18 कहती 18, 36, आगे आगे 18 का टेबल, जहां भी 100 तक जितने बनते हैं, जब मैंने नंबर ही 1 से लेकर 100 तक दिए, नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, टू इज रॉन्ग, 1, 4, आपने ऐसे सोचना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर, यस नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज अ, इज इट क्लियर, उसके बाद 16, 25, सबको पता चला। अब मैं अगर कहती
मैं करवाती हूँ, मैं सारे चैप्टर्स कवर। हाँ जी, अब बेटा इसके बाद मान लो आपको नंबर दे दिया गया प्लीज, और मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, ओनली वन, वन से लेकर 10 नंबर है, वन से लेकर मैंने ऐसे लिखा नंबर है, वन से लेकर ओनली वन इज देयर, वन बाय 10, वन बाय प्रोबेबिलिटी आएगी। इज इट क्लियर? कैसे आई? एक्स की वैल्यू वन पुट की, वन इज लेस देन 4, टू पुट की, टू स्क्वायर इज, वो तो 4 के बराबर आ गया। लोगे इसको? नो। ओके, अगर मैं कहती ये लीजिए जी, अगर मैं कहती वन, सारे ही वन से लेकर 10 तक सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? वन का स्क्वायर ठीक है, टू का स्क्वायर ओके, और मेरे पास वो है एंड का पता चल गया, और का पता चल गया, लीप ईयर वाला पता है सबको? हाँ जी, ध्यान से करना है। अगर मैं कहती, हाँ जी, अगर मैं कहती कि लीप ईयर में, लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 52 संडेस, वन, 52 तो आने ही आने ना, चाहे लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर। ओके जी, दैट इज वन होगी मेरे पास। एक वो तो मैंने 52 पूछा, 53 तो पूछा ही नहीं। 53 कहती हाँ जी, नेक्स्ट, बहुत बार ये भी क्वेश्चन है सैंपल पेपर्स में देख रही हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी उसने कहा है, रेंज बताओ इन परसेंटेज। वैसे प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 to 1। अब परसेंटेज में बताना है तो मेरे पास जो 100%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो ये आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज का साइन साथ ही आ जाता है, तो ये तो 0 ही हो गया। और इधर ठीक है जी, अब कई बार प्रोबेबिलिटी दी होगी आपको, पता कैसे? कोई ऐसे दे दी 99%, कोई दे दिया 0.09, कोई आपको दे दी फ्रैक्शन में, और आपसे पूछा गया विच ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती, तो वो आपने ये ना हो कि वो क्वेश्चन जो है मतलब परसेंटेज में दिया और तुमने कन्वर्ट नहीं किया, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नॉट या उसमें क्या पूछा गया है उस पे ध्यान देना। ओके बेटा, एक जो लीनियर वाले में पेपर में मिस्टेक हुई थी, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मुझे लगता है मैंने सबको ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया है, एटलीस्ट एटमोस्ट फैक्टर्स बिटवीन सब। अब मैं लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रही हूं आज। हाँ, बर्थडे, टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, ओके। चलिए अब बेटा, अगर मेरे पास है, मैंने कहना है कि सपोज ए एंड बी आर द टू स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी निकालो कि दे आर हैविंग जो गे बर्थडे ऑन द सेम डे। अब बर्थडे ऑन द सेम डे, आप मुझे बताओ आपके पास जो है फेवरेबल कितने डेज होंगे? वन। पूरे 365 में बर्थडे तो किसी एक दिन होगा ना, तो फेवरेबल बेटा नहीं, सेम डे का मतलब है यहाँ सेम डेट की बात ही कर रहा हूँ, नॉट ये कि मंडे मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे, ये कंफ्यूजन नॉर्मली बच्चों को होती है। सेम डे का मतलब है
कि उसका डेट ऑफ बर्थ ही सेम, सन डिफरेंट हो सकता है बट डे विल रिमेन सेम। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मेरा फर्स्ट जन को है तो दक्षिता का भी फर्स्ट जन को, दैट मीन्स सेम डे, नॉट हम डेट की यहाँ कोई बात नहीं कर रहे। ओके, मतलब अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूं तो कभी हम बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं वो डे के अकॉर्डिंगली नहीं करते, डेट के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो डे तो वही आना है ना, तो दैट मीन्स फेवरेबल वन ओवर टोटल, और सेम डेट पे नहीं है तो वन माइनस इज। हाँ, अगर कहता सेम बर्थडे ऑन लीप ईयर, ओके, बात समझ आ गई सबको?